अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिस तरह से मैंने थंबनेल में आपको मना किया है कि आप लोगों ने साफ़ी नहीं पीनी, साफ़ी क्यों नहीं पीनी, ऑल दो मैंने बहुत सारी मरतबा साफ़ी पी है, वो इसलिए नहीं पीनी क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन लोगों ने साफ़ी को इस्तेमाल किया है, उनमें से कुछ के तो चेहरा बिल्कुल साफ़ हो गया, कलर भी साफ़ हो गया, दाने भी ठीक हो गए। बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि जो इसमें इतने सारे हर्ब्स होते हैं ना, वो रिएक्शन कर जाते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ मसला ये हुआ है कि उनके दाने और ज़्यादा होने लग गए। ऑल्दो ऐसा होता है कि पहले एक दो बॉटल्स में दाने निकलते हैं मगर फिर ठीक हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताऊँगी जिसका नाम है, जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे इस्तेमाल करते हुए कोई 10-11 दिन हो चुके हैं, इसके बाद मैंने वीडियो ये अपलोड की, ठीक है ना। तो अब मैं इसका नाम है, इसको बहुत सारे नाम से जाना, इसका नाम पनीर बूटी भी है, पनीर डोडा भी है, और इसको अगर इंग्लिश में कहें तो इसका नाम इंडियन रनट भी है। ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। जब मैंने पंसार की दुकान से लिया तो ये ऐसा नहीं था, कुछ ऐसी हालत में था, इतना कचरा था। मैंने उसे साफ़ किया और जो बिल्कुल सही थे उनको मैंने अलग बॉक्स में, इंश्योर का मेरे पास डब्बा था उसके अंदर मैंने डाल दिया। अब मैं आपको बताऊँगा इसको इस्तेमाल कैसे करना है और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जी तो नाम तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, और आप पंसार से जाके किस नाम से आप जाके इसको ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं फ़ायदे की, क्योंकि फ़ायदे के बगैर तो इसका इस्तेमाल बेकार है ना, क्योंकि हम इतनी मेहनत भी करें, इतना कड़वा बर्दाश्त भी करें पीने, और फ़ायदे ही ना पता हूँ मैं तो क्या ही फ़ायदा। तो सबसे पहले मैं जो इसको यूज़ कर रही हूँ, जो मुझे जिसके रिजल्ट्स वाकई बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो वो ये है कि चेहरे के कील, मुहासे और जल्दी अमराज जितने भी होते हैं उसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। यानी कि चेहरे पर दाग धब्बे हैं, आपको रंग साफ़ करने के लिए ये कहा जाता है, आप उसको सर्च करेंगे यूट्यूब पर, ये वाइटनिंग ड्रिंक के नाम से, ठीक है। तो आपको कोई जल्दी अमराज, आपको एलर्जी वगैरह, आपको बदहजमी है, या फिर आपको तेजाबियत वगैरह, एसिडिटी का इशू, पेट में तकलीफ़ रहती है, गैस रहती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, मोटापे में कमी लाना चाहते हैं, तो ये मतलब ऑल सॉल्यूशंस हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब ऑल प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन होता है ना, वो वाली चीज़ है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको लेके और उसको छील लेती हूँ, छील के मुझे लगता है, तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि मुझे लगता है कि इस तरह से ज़्यादा अच्छी तरह से हम इसका एक्सट्रैक्ट अर्क निकाल सकते हैं, जबकि मेरी बहन इसको ऐसे उठा कर डाल देती है, आप पे डिपेंड करते हैं, मगर मैं आपको कहूँगी कि मेक श्योर पहले छील लें, और आपने 12-15 दाने लेने हैं, मगर मैं 12 लेती हूँ, कभी 13 भी हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपने पानी भर लेना है, ठीक है, ये सिर्फ एक गिलास होना है, आपने रात में सोने से पहले, बस 5 मिनट का काम भी नहीं है, 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट में दाने छील के डालें और 1 मिनट पानी के डालें और उसको ढक के रख दें, ठीक है, ढक के रखेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है और सुकून से सो जाना है। सुबह उठ के कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पियेंगे, सबसे पहले आपने ये पानी पीना है। जैसे ही पानी आपके बॉडी के अंदर जाएगा, इंशाल्लाह आपके सारे एंटी बैक्टीरियाज, जितने भी इन्फेक्शन वगैरह हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे और स्किन का रंग भी साफ होने, पहले आपकी स्किन पर जो टारगेटेड इशूज़ हैं, यानी कि दाने हैं, अगर निशान है उसके, वो ठीक करेगा। इसके बाद अगर आप इसको 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूस इस्तेमाल में रखेंगे, 3 महीना तो मैं आपको कह रही हूँ, तो आपका रंग बहुत बहुत साफ़ हो जाएगा और ये गारंटीड है, ठीक है। इसका कलर भी चेंज रहता है सुबह, इस तरह से मैंने आपको दिखाया था, सुबह मैं 10 बजे के करीब उठी थी, 9-10 बजे, तो कलर इसका चेंज हो गया था। अगर आपके स्किन में भी दाने होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं आप परेशान हैं इस चीज़ से, तो एक मरतबा ज़रूर मेरी रिकमेंडेशन पर इस्तेमाल करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।